यहाँ से जो है इसको उठाना है और जस्ट इसको एक दफ़ा स्प्रे कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह घुसाना है और फेस इसका इस तरह करना है। उसके बाद आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हमारे साथ एक तो पुष्पा हैं, दूसरे हैदर भाई हैं, और पुष्पा के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसकी ग्रूमिंग करेंगे। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसके ब्रश किस तरह करना है, नेल किस तरह कट करने हैं, दांत किस तरह साफ़ करने हैं, एयर्स किस तरह साफ़ करने हैं। जल्दी जल्दी आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा और आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप लोगों ने कैट रखी है या रखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और मैं आप लोगों को खासतौर पर ये बताऊंगा कि बगैर नहलाए किस तरह से आप लोग जो है अच्छे से ग्रूमिंग कर सकते हैं, और गर्मियों में भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा ये काम आएगी। वीडियो के अंदर लाजमी देखिएगा, बड़ी ही मज़ेदार वीडियो है। वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम वो काम करेंगे जिसमें सीक्वेंस वाइज आएंगे, जिसमें कैट जो है वो कम से कम इरिटेट हो। लाइक इसको सबसे पहले हम ब्रश करेंगे, इसके एयर साफ़ करेंगे, इसके दांत साफ़ करेंगे, उसके बाद नेल्स कट करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा कैट तंग करती है। तो अभी इसके बाल जो है वो बहुत बड़े नहीं है, ऑलमोस्ट सिंगल कोट ही है। तो उसके लिए अगर आप लोगों के पास पर्शियन कैट है खासतौर पर, तो सबसे पहले उसके लिए ये वाला ब्रश यूज़ करें। और ब्रश का जो ये वाला हिस्सा है, जो पतला हिस्सा है, इसको हमेशा पहले यूज़ करें ताकि अगर कोई नोट्स हैं छोटे से वो निकल जाएँ उसके। और जो डेड हेयर्स होता है ये बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको निकाल देता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये डेड हेयर्स इसके निकल रहे हैं। सबसे पहले ये यूज़ करने का मकसद ये होता है कि कोई नोट्स वगैरह अगर बॉडी में हैं छोटे छोटे तो वो होता है। उसके बाद आप बेशक बड़ा वाला यूज़ कर लें हिस्सा। इसके माशाल्लाह से कोई नोट्स नहीं है क्योंकि इसके बाल भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पर्शियन कैट है तो उसके बाल ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। और आप लोगों ने जहाँ जहाँ पे बालों की सीमत है वहाँ वहाँ पे इस तरह करके फेरना है। अब उल्टा सीधा नहीं फेरना, जहाँ पे बालों की सीमत इस तरह नहीं फेरना कभी भी आपने। जहाँ पे बालों की सीमत जा रही है उस तरफ आप लोगों ने जो है उसको ब्रशिंग करनी है। अगर वो इस साइड पे जा रही है तो आप लोगों ने उसको नीचे की तरफ से ब्रश करना है। पुष्पा क्या हुआ आपको? ये आप लोग देख सकते हैं इस साइड से भी काफ़ी बाल उतर चुके हैं। हैदर भाई इनको उठाओ, इसको उठाओ, सीधा करो। अब इसके नीचे से जो ब्रशिंग है वो करेंगे। नो, चलें रखना। इसके नोट्स कोई नहीं है तो इसका इतना ज़्यादा हमें ये यूज़फुल नहीं रहा, क्योंकि नोट्स होते तो ये ब्रश जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इसके अलावा डबल साइड कॉम्ब भी आती है और डिफरेंट तरह की होती है, उसमें दोनों तरफ ब्रश लगा होता है वो, और ये एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट। उसके बाद जो ये वाला ब्रश है ये आप लोगों ने यूज़ करना है। इस ब्रश का फ़ायदा ये होता है कि जो डेड हेयर्स होते हैं उनको अच्छे से रिमूव करेगा, और जो अगर कोई छोटे मोटे नोट्स है उसको भी निकाल देगा। लेकिन ये है जो आप लोग अगर आप लोगों की कैट जो है वो ज़्यादा बाल उतरें और आगे जाके उतरेंगे भी इस सीज़न के अंदर, तो आप लोग ये वाला ब्रश यूज़ करें। दिन में दो दफ़ा करें, जो डेड हेयर्स है वो पूरे दिन में निकल जाएंगे, तो उस दिन जो बाकी हेयर्स हैं वो नहीं लगेंगे आपके घर में जो है वो ज़्यादा नहीं फैलेंगे। इसको भी आप लोगों ने सेम पैटर्न से जिस तरफ बालों की सिमत है आप लोगों ने उसको उस तरफ करना है। आजकल पुष्पा के जो है वो बाल उतर रहे हैं काफ़ी, इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि ये काफ़ी सारे बाल इसके उतर रहे हैं। वो वाले ब्रश से इतना नहीं उतरेंगे, इससे ज़्यादा उतरेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ये लगता है बॉडी के ऊपर, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसी पैटर्न में ना हो, थोड़ा सा जो चुभने वाला ना हो, तो कभी भी ये अपने इस तरह से सफाई जो है बाल नहीं उतारेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एयर्स किस तरह से क्लीन करने हैं। आप पहले इसके एयर्स दिखाएं, आप लोग देख सकते हैं गंदे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, वैक्स वगैरह इतनी ख़ास नहीं है। तो इसको किस तरह से क्लीन करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं सिंपल क्लीनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इन्फेक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहा। अगर इन्फेक्शन वगैरह या बहुत ज़्यादा वैक्स है तो आप डॉक्टर के पास लाजमी जाएँ, जाके दिखाएँ, हो सकता है एयर माइट्स हो या कोई और स्नैरियो। मैं जो यूज़ करूँगा वो क्लोडाइन यूज़ करूँगा। क्लोडाइन का फ़ायदा ये है, एक तो ईजी टू यूज़ है और मिल भी जाती है इजीली आपको। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्लोडाइन में से थोड़ा सा जो है वेट कर लेना है कॉटन को। कॉटन ले सकते हैं आप, गोव्स ले सकते हैं, वेट करके इसको अच्छे से निचोड़ना है। और इसके ये वाले कान में आप लोगों ने इस तरह घुसाना है और फेस इसका इस तरह करना है। उसके बाद आप लोग, ये आप लोगों घर में सबसे सेफ़ तरीका जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग घर में ईजीली कर सकेंगे। जो भी अंदर वाला गंद है वो ऐसा ऐसा बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये देख रहे हैं जो इसके कान गंदे थे, अब देखें साफ़ होना शुरू हो गए। ये वाला आप वेस्ट कर दें। उसके बाद आप थोड़ा सा और पेशक बना लें इसी तरह से, इस तरह से आप लोगों ने रखना है इसके अंदर और इसको टेढ़ा करना है। जो भी आप ड्रॉप यूज़ करें, कोशिश करें डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ यूज़ करें, कोई अपनी तरफ से ज़्यादा यूज़ ना करें ताकि किसी किस्म का कैट को मसला ना हो। ये देखें
अब बहुत कम इसका जो है वो डस्ट बाहर निकली है, और अब कान दिखाएं आप, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसके यहाँ से भी जो है वो हम सफाई कर लेते, इस तरह से आप लोगों ने जो है कान साफ़ करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसकी डेंटल केयर किस तरह से करनी है। उसके लिए काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, उसके लिए ब्रशेस भी आते हैं, डेंटल हाइजीन सेट भी आते हैं, और ये वाला जो है स्प्रे भी आता है, हर्बल स्प्रे। उसके अलावा और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आती हैं, मैं इसके लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। जब ये खाना खा ले एक दफ़ा, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका यहाँ से जो है इसको उठाना है, और जस्ट इसको एक दफ़ा स्प्रे कर देना है। उसके बाद ये खुद ही इसको च्यू कर लेगा, और शायद थोड़ा बहुत पानी भी निकले, झाग वगैरह निकाले, उसकी परेशान नहीं होना आप लोगों ने। उसको आप लोगों ने साफ़ कर देना है। एक से दो दफ़ा आप पंप कर सकते हैं उसको, अगर ज़्यादा मसला है, वरना एक दफ़ा पंप काफ़ी है, और दिन में एक से दो दफ़ा कर लें काफ़ी होता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने नेल्स किस तरह से कट करने हैं। मौज़ा भैया आप कैमरा आगे लें, कोशिश करते हैं कि हम उसे अकेले में कटवा लें। आप लोगों ने इसे टिप दिखाएं ज़रा, आप लोग ये देख रहे होंगे बिल्कुल इसकी जो यहाँ से इसका वेन शुरू हो जाती है, आप लोगों ने बिल्कुल जो एंड वाला कट है वो आप लोगों ने काटना है। तो आप लोग देखें मैंने बिल्कुल इसके एजेस काट रहा हूँ, और बड़ी एहतियात से आप लोगों ने काटना है। इस तरह से आप लोगों ने जो है इसके नेल्स कट करने हैं, बाकी सारे भी। और तो इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ नेल्स भी कट करने हैं, दूसरे हाथ की भी हम कट करेंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी से आप लोगों को वीडियो वाइड अप करते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग किस तरह से इजीली घर में अपने कैट को ग्रूम रख सकते हैं। उसके अलावा बात के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं चैनल पर, वो भी पड़ी हुई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और एंड पे जो है हम इसको सिर्फ खुशबू के लिए या थोड़ी सफाई के लिए, वो मुझे ड्राई शैम्पू कराना, सफाई वगैरह के लिए, खुशबू के लिए इसको जो है हम भागना नहीं पुष्पा स्प्रे कर देंगे। थोड़ा सा स्प्रे यूज़ कर सकते हैं आप लोग, वाइट कैट्स हैं तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसको स्प्रे ब्रश कर देंगे, ब्रश दिखाइएगा। इसके बाद हम इसको दोबारा से ब्रश कर देंगे, और इससे अच्छी खुशबू भी आएगी इसके, इसका जो है दांत भी साफ़ हो गए हैं, ना मुंह से भी स्मेल नहीं आएगी इसकी, और इजीली आप कैट को अपनी इस तरह से ग्रूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो पुष्पा के साथ आप लोग चाह रहे थे कि मैं और वीडियोस बनाऊं, और भी जल्दी जल्दी इंशाल्लाह ताला पुष्पा के साथ वीडियोस बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।